विदिशा की पठारी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसको लेकर नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। वहीं उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया है। खुराई रोड स्थित डॉक्टर अम्बेडकर भवन में दलित नेता लखन अहिरवार के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप अहिरवार, शैतान सिंह अहिरवार, स्वत यादव, अमित सहेले, लखन अहिरवार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदीप अहिरवार ने बाबा साहेब के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर को सच्चा समाज सुधारक, विचारक और विकास पुरुष करार देते हुए कहा कि सभी जाति वर्ग और धर्मों को बेहतर जीवन यापन और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए कानून दिया है। राष्ट्र और समाज के विकास पथ पर बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 30 अप्रैल को नटेरन में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति अनावरण के लिए 10,000 रुपए की राशि एकत्रित की गई है। इस दौरान लखन अहिरवार ने मंच संचालन और भागचंद्र अहिरवार ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संतोष अहिरवार, संजय अहिरवार, तुलसीराम अहिरवार, संतोष पडारिया, सौदान सिंह अहिरवार, सत्यवान अहिरवार, आरती चौधरी, सत्येंद्र, मयंक, राजेंद्र प्रमोद आदि लोग उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। क्योंकि इस देश में जो गरीब तबका है, आदिवासी